इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने आरोप लगाया कि मुसलमानों को अपमानित करने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं। मुस्लिम लड़कियों को बड़ी साजिश के तहत मजहब बदलवाने की मुहिम चलाई जा रही है। मौलाना तौकीर रजा ने आरोप लगाया है कि एक बड़ी साजिश के तहत मुस्लिम लड़कियों का मजहब बदलवाया जा रहा है, उनकी शादियां करवाई जा रही हैं। तौकीर रजा का दावा है कि ये सब मुसलमानों को अपमानित करने के लिए किया जा रहा है। ये जो कुछ हो रहा है ये मुसलमानों को जलील करने के लिए इसकी तशहीर की जाती है। मौलाना तौकीर रजा ने आरएसएस पर मुसलमानों के खिलाफ अभियान चलाने का आरोप लगाया है। मुस्लिम लड़कियों के अलावा युवाओं को नशे में ढकेलने और पीढ़ियों को बर्बाद करने का भी आरोप लगाया है। असल साजिश ये है कि मुस्लिम नौजवानों को नशे में ढकेला जा रहा है और नशा इतना आसान कर दिया गया है, बेचने वाला भी मुसलमान है, खरीदने वाला भी मुसलमान है और ये काम सिर्फ मुस्लिम बस्तियों में हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ मौलाना तौकीर रजा ने मुसलमानों पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि मुसलमानों की गैरत मर चुकी है, अगर हम अपने नौजवानों को सही करने में कामयाब हो गए तो सब ठीक ठाक किया जा सकता है।